मतलब उसकी सूची तैयार करनी थी। तो हमारे पास सबसे पहले ब्लॉक्स ब्लॉक्स दिखाएं, ये ब्लॉक्स हैं, पिक्चर्स पजल्स, ये पिक्चर पजल्स हैं, ग्लेसिंग बोर्ड, ये ग्लेसिंग बोर्ड है, आकार किट, ये आकार किट है, आकार बोर्ड, आकार बोर्ड वो होगी किस बात है, बोर्ड गेम हमारी किट में मिसिंग था, शिक्षक संदर्शिका में ये चीज लिखी हुई थी बट हमारी किट में नहीं निकला। प्राइस एक छोटा सा प्राइस 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 एक हाँ ये इस तरह प्राइस और स्टैक ये सारा जोड़ तोड़ दोनों में जो सामान था उसकी सूची थी। अब हमें इसकी उपयोगिता पे चर्चा करनी है कि क्या क्या इन चीजों की उपयोगिता है। तो सबसे पहले हम ब्लॉक्स की बात करते हैं, ये ब्लॉक्स हैं डिफरेंट कलर के हैं। सबसे पहले तो बच्चा इनमें क्या करेगा, कलर्स की पहचान हो जाती है, उसका वो जोड़े तोड़ेगा तो कोई भी आकृति का निर्माण जैसे कोई टॉय बना सकता है, कोई इमारत बना सकता है, कुछ भी इनसे एनिमल या जो भी इनसे आकृतियां उनके दिमाग में आती है वो बना सकता है। पिक्चर्स पजल है ये वाली, ये टीचर इसको कट कर करके देगा बच्चे को, दे देंगे तो बच्चा इसको संपूर्ण करेगा, जोड़ेगा इसको। और इसके बाद में है लेसिंग बोर्ड, बच्चा सूटकेस बांधना और इस तरह की जो चीज बांधने वाली है वो सीखेगा। आकार किट से विभिन्न वस्तुओं के आकार के बारे में जानेगा, रंग हाँ इसमें माला भी है और इसमें विभिन्न प्रकार के ये मोती डले हुए हैं, अलग अलग आकार के गोल हैं और कुछ सिलेंडर टाइप के हैं। पैटर्न भी सिखा सकते हैं इससे, कलर्स भी सिखा सकते हैं, मतलब इसके मल्टीपल यूज हो सकते हैं। काउंटिंग भी सीख सकता है बच्चा छोटे लेवल पे। बोर्ड गेम है नहीं, डाइस इसको फोल्ड करके, ये इस तरह फोल्ड करके कट करके फोल्ड करके डाइस बना सकते हैं। और ये स्टैक्स असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ा छोटा इस तरह से सीख सकता है बच्चा, कलर्स भी सीख सकता है। तो ये था इसकी उपयोगिता। इसके बाद जो था कि इससे बौद्धिक कौशलों का विकास होगा, तो बच्चे की इसमें संज्ञानात्मक जो विकास है और उससे जुड़े जो कौशल है उसके मानसिक विकास इससे होगा। तो और इससे कोष कौन कौन से कोषों का इसमें पोषण होगा, तो सबसे पहले तो बच्चे का विज्ञान में कोष इससे पोषण होगा, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है अपना दिमाग यूज करके और अपनी उससे एक्टिविटी शेप वगैरह जो भी कर रहा है अपने दिमाग का खुद वो कल्पना कर रहा है, तरक्की भी संश्लेषण विश्लेषण जो भी जितनी अनुमान लगाना एक्टिविटी जितनी भी रहती है वो सारी विज्ञान में कोष में आती है, तो वो इसका पोषण होगा। और इसके बाद इसमें प्राणमय कोष की भी थोड़ी बहुत पूर्ति होगी, क्योंकि प्राणमय कोष की जब बात आई थी तो सर ने बात की थी कि वो मोटर की सूक्ष्म जो ये हमारी मांसपेशियां होती है उनका विकास होता है, क्योंकि बच्चा जब ये छोटी छोटी चीजें जोड़ेगा तोड़ेगा करेगा तो इससे उनकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होंगी। तो प्राणमय कोष की भी होगी और थोड़ा बहुत मनोमय कोष भी इसमें आएगा और लास्ट में इसमें आनंदमय कोष की पूर्ति होगी। और ये लगभग सभी कोषों को आपस में समेटते हुए और बहुत अच्छी मुक्त खेल की गतिविधि होगी। थैंक यू, बहुत बढ़िया। हमारे पास जो कोना था वो कला कोना था, तो कला कोने के अंदर हमें जो सामग्री मिली थी वो कलर्स है, पेपर है, स्केच पेन है, मार्कर है और कुछ टेप है और कलर स्टिकर सामग्री काफी कम थी, क्योंकि कला कोने में बच्चा खुद से करता है, खुद बना बना के चीजों को पेस्ट करता है, कम सामग्री में ज्यादा चीजों को दिखाता है कला कोने के अंदर। तो इस कोने में जो मैंने यूज है कौन कौन से कोष का विकास हुआ है, तो सबसे पहले इस कोष का है आनंदमय कोष, क्योंकि ये देखते कि बच्चे की रुचि किस चीज में है। अगर बच्चा कोई पेंटिंग करने में रुचि ले रहा है तो वो पेंट करना कहते हैं ना, कोई बच्चा ये तो ड्रॉइंग ही करता रहता है तो उसकी ड्राइंग में रुचि है,
किसी को कुछ बनाना पसंद है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चार्ट पेपर पे फूल पत्तियां बनाते रहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल के पत्तों को लेके ही कुछ ना कुछ आकृति बनाते रहते हैं, जैसे किसी ने गणेश जी की आकृति बना दी पीपल के पत्तों को लेके, जो हमारे स्कूल के अंदर होते हैं, फूल लेके कोई फूल की माला बना दी या कोई भी पैटर्न बना दिया। तो जो कला है उससे एक तो बच्चे के आनंद में उसका विकास होता है, दूसरा जो छोटी छोटी मांसपेशियां हैं, माइक्रो मसल्स है, वो अपने हाथों का यूज करता है। तो दूसरा जो कोष है हमारा वो है इसके अंदर अन्नमय कोष और प्राणमय कोष। पहला कोष आनंदमय कोष था, दूसरा अन्नमय और प्राणमय, और जो तीसरा कोष है सारी चीजें कर रहा है लेकिन कर किससे रहा है, अपने दिमाग से, दिमाग से वो आकृतियों को बना रहा है, उसके अंदर वो पैटर्न अपने दिमाग से सोच के बना रहा है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जैसे कह दिया कि रेलगाड़ी बना दो तो सभी बच्चों ने एक जैसी रेलगाड़ी बना दी, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जो तो अलग तरीके से रेलगाड़ी बना सकता है, कुछ अलग 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 कलर के पैटर्न बना बना के बना देगा। तो इसमें विज्ञान में कोष भी है, तो जो कला कौन है उसके अंदर मोस्टली सारे ही कोषों का मिश्रण है। इसमें जो डस्ट और मिट्टी की भी बात की गई है, वो क्ले ले सकते हैं, टीचर गाइड आपको इसलिए दी गई है ताकि जो मिसिंग है आप उसके अलावा इसमें जोड़ के वो बोल सकते हैं। सर इसके अलावा हम सेक्शनल कोना बना सकते हैं, जैसे बच्चे जो प्रैक्टिकल करेंगे उसके लिए हम अलग से डिस्प्ले कर सकते हैं। यस यस यस, जैसे इसमें चार कोनों की बात करी गई है, मैं अपनी सीआरटी का बता देती हूं। मेरी सीआरटी में बाल कोना नाम से कोना बनाया हुआ है, वो भी प्राइमरी स्कूलों में। तो वो क्या करते हैं, जैसे कुछ भी उन्होंने बच्चे से सभी सुना प्लीज, जैसे उन्होंने बच्चों से अपनी उसकी नोटबुक में कोई भी आकृति बनवाई है, कोई भी हिंदी का चैप्टर शुरू कराया है या कोई भी इवेंट करवाया है, जैसे दिवाली है कुछ भी बनवाया है, तो वो उस पेज को फाड़ के टीचर उस दीवार पे पेस्ट कर देते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बताते हैं ये देखो ये मैंने बनाया है, ये इसने बनाया है, तो उनको एक खुशी मिलती है कि ये देखो मैंने बनाया, ये मेरा पेस्ट हुआ है, अगली बार और अच्छा से बनाना फिर तुम्हारा भी पेस्ट हो जाएगा। तो वो बाल कोना है। जो मेटेरियल है वो क्या क्या होना चाहिए वो मैं एक्सप्लेन करेगा, उन्हें मैं पूछूंगा। पुस्तक होनी थी, वैसे तो लगभग सही चीजें होती है, लेकिन हमारे पास जो पुस्तक होना है उसमें अभी थोड़ी चीजें हैं, जैसे पुस्तक होनी की साक्षी है जो वो है सबसे पहले, जैसे ये रिकॉर्ड ये पेपर की इसमें दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े चित्र बने हुए हैं जिसे देखकर बच्चे अनुमान लगा सकते हैं कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है। जब अध्यापक भी कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो उनसे पूछ भी सकते हैं, क्योंकि बच्चों के बच्चे हैं हमारे, उनको पढ़ना नहीं आता, वो नहीं जानते पढ़ना, वो सिर्फ चित्र देख के अनुमान लगाएंगे कि इसमें क्या हो रहा है, और इस चित्र के बेस पे हम पूरी कहानी बना देंगे। और अंत में टीचर क्या करते हैं क्लास में, ये कहानी पढ़ाना हमको शुरू करते हैं उंगली फेर से, क्योंकि बच्चों को पढ़ना तो नहीं आता लेकिन जैसे जैसे वो उंगली फेरेंगे तो बच्चे भी उसका लोगोग्राफिक पठन कर लेंगे। बिल्कुल का यही काम है कि बच्चे लोगोग्राफिक पठन सीखते हैं और चित्र के माध्यम से अपनी कोई भी कहानी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बच्चे यही कहानी बनाए, वो अपने अनुमान से जैसा कि उनको चित्र से दिखाया जा दिख रहा है वैसी कहानी को बनाएंगे, और उसको हम सही या गलत कुछ भी नहीं कह रहा। इसमें होता है फिर हम ये कार्ड नीचे बिछा देंगे तो बच्चे को बोलेंगे कि क्रम में लगाना,
तो बच्चे हो सकते हैं एक बार उलट लगा दें, पर बच्चे को क्या है यहाँ विज्ञान में दोष का विकास हो रहा है, तो बच्चे क्या है वो अब चार्ट देखेंगे, ये कार्ड देखेंगे और उसको क्रम में लगे, तो इस तरह से इसमें कई तरह के कार्ड इसमें अखबार मैगजीन और चित्र पुस्तकें भी होती है इस तरह से दो दिखाई दे रही है और बच्चे ना खुद खेलकर खुद ही अनुमान लगाएंगे, क्योंकि ये जो पुस्तक है ये कहानी के रूप में चित्रों के माध्यम से कहानी को दिखाया गया, लेकिन बच्चे सिर्फ अनुमान लगाएंगे और खूब सप्ताह 13 से 14 से जब शुरुआत करेंगे अक्षर ज्ञान की, तो उनका सहारा लिया जाएगा और उसके माध्यम से बच्चों को हम खुले छोड़कर बंद छोड़कर प्रश्न करेंगे, बच्चों को पहले दिखाएंगे उनको, फिर उसके बाद विस्तृत रूप से उनसे खुले छोड़कर बंद छोड़कर प्रश्न करेंगे, फिर अध्यापक के मार्गदर्शन में उस कार्य का निर्माण भी करेंगे। चित्र चार्ट होते हैं, जैसे चार्ट के माध्यम से किसी मेले का चित्र दिखा दिया, किसी गाँव का किसी खेत का चित्र दिखा दिया, बच्चों से हम एक एक करते जो चीजें दिखाई गई उनके बारे में पूछेंगे और बच्चे अपने अनुमान से इन चीजों के बारे में बताएंगे, उनमें क्या है अभिव्यक्ति का जो सब विकसित होगा और वो भी बता सकते हैं। ये तो हमारा एक इंट्रोडक्शन था, जो हमारा मटेरियल क्या था, तो हमारे सभी साथियों ने आपके आपको बताया डिस्क्रिप्शन। अब जो मेन हमारा इस एक्टिविटीज की जो दक्षता क्या है और ओवरऑल लर्निंग आउटकम्स के उसके उद्देश्य क्या है वो डॉक्टर शिल्पा मैम क्योंकि इससे बच्चों का विज्ञान में कोष जो है वो डेवलप होता है। देखिए हम देखते हैं कि अब बड़े होने के बाद भी जो रीडिंग हैबिट्स है ना बहुत ही कम हो गई है लोगों की, कईयों को बहुत शौक होता है, वो आज भी बुक्स पढ़ते हैं लेकिन रीडिंग हैबिट कम हो गई है, कोई बड़ा मैसेज भी आ जाता है ना तो उसको भी हम रीड करना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। अगर शुरू से ही रीडिंग कॉर्नर बनाया जाए और उनको वेरी वीकली अगर बच्चों की रीडिंग स्किल्स अगर डेवलप करना चाहते हैं तो रीडिंग कॉर्नर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। और जो बाल वाटिका की बात करें तो देखिए इसमें काफी सारी चीजें हैं, ब्रिक बुक है, चित्र वाली जो किताबें हैं वो है, चित्र कार्ड भी है, क्रम से लगाने की चीजें भी है, तो बच्चा जब उसको एक्सप्लोर करेगा और हम देखेंगे कि बाल वाटिका की पुस्तकों में चित्रों का ज्यादा जो है एक्सपोजर है और रिटन मटेरियल का कम, इसका रीजन ये है कि बच्चों को पढ़ना नहीं आता है और वो पिक्चर देख के अट्रैक्ट होंगे और बड़ी बड़ी पुस्तकें भी हैं वो देखेंगे, इसमें इंग्लिश की बुक्स भी हैं, अगर देखेंगे इंग्लिश की बुक्स भी हैं, जैसे इसमें काउज करती है इंग्लिश की बुक है और भी होंगी, तो इस तरह की काउंटिंग सिखा रही है क्योंकि और बच्चा नहीं कर सकता, इसमें वन बुक है, वन काउ है, टू काउ है, एटलीस्ट काउंटिंग सीखेंगे। और आप देख सकते हैं कि बड़ी कलरफुल बुक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रीडिंग पॉइंट कलरफुल होना बहुत जरूरी है, बच्चा तभी अट्रैक्ट होगा। इन चीजों के साथ साथ में अखबार बच्चा पढ़ नहीं पाएगा लेकिन देखेगा एटलीस्ट उसमें की क्या चीजें हैं, धीरे धीरे उसकी हैबिट में आएगी, जब उसको रीडिंग करनी आ जाएगी हो सकता है घर पे जाके वो बच्चा बोलेगी कि मैं अखबार का कोई शब्द पढ़ना चाहता हूँ बड़ी क्लासेस में, क्योंकि छोटे से ही उसकी रीडिंग की स्किल ही डेवलप करना चाह रहे हैं हम, तो ये विज्ञान में कुछ जो है बच्चों का डेवलप हो सकता है, रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप हो सकती है। इसके साथ हम कुछ कलरिंग बुक्स या फिर जो बाल वाटिका के लिए हम जो स्टैंडिंग लाइन की डोटेड बुक्स है वो भी रख सकते हैं, बच्चा अपनी वो जो है मौखिक भाषा पढ़ना लेखन अंग्रेजी ये जो है सीजीज इसमें 9, 10, 11 जो है कवर होते हैं, तो इसमें यही चीजें हैं कि मौखिक भाषा का बच्चों के विकास होता है, वो मौखिक भाषा का कैसे होता है कि इसको देख के एटलीस्ट वो जो स्टोरी बनाएगा बोलेगा कुछ उससे भी हो सकता है, पढ़ने की स्किल बच्चों की डेवलप होगी, लेखन की आड़ी किस चीज रेखाएं बच्चा बना सकता है, वो जो मैं बोल रही हूँ कि डोटेड लाइन की कुछ बुक्स या प्लेन जो है ड्रॉइंग बुक्स वो भी रख सकते हैं, बच्चा उस पर कुछ कर सकता है तो वो लेखन में आ जाएगा बच्चों का। और अंग्रेजी की जैसे मैंने आपको दिखाई है एटलीस्ट वो इतनी बार जब देखेगा लिखा हुआ वन काउ टू काउ तो काउ की स्पेलिंग उसको हो सकता है लर्न हो जाए क्योंकि लास्ट तक ये चल रहा है, तो इससे विज्ञान में कोश का बहुत अच्छे से विकास हो सकता है। तो
तो हम जरूर टीचर्स को मोटिवेट करते भी और करेंगे भी कि रीडिंग कॉर्नर आप सुंदर सा अच्छा सा अट्रैक्टिव सा कलरफुल सा बनाइए, ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल। थैंक यू जो मिला थी, इसके बारे में आपको बताया और क्या लर्निंग आउटकम्स रहे। और अब सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि इसमें और क्या एड ऑन हो सकता है, हो सकता है कुछ पॉइंट हमसे रह गए हो, तो प्लीज एड ऑन की जो एक सही मायने में। जैसे रीडिंग करने में बच्चों को बड़ा चिल्ड्रन बुक जो देखते हैं उन्हें चाहते हैं, सबसे पहले फायदा तो ये है कि वो बच्चे इसको आगे पीछे पेजों को पलटना हो सकता है, वो ऐसे भी पलट सकते, उनको पता नहीं था उन पर कौन सा फेस है नीचे जी कौन सा, तो वो ऐसे पलटेंगे चित्रों को अपने चाव से देखते हैं, अलग कुछ चित्र से हो गए सरस भाव से देखते। जैसे ये कविता की बुक, बच्चे कविता पढ़ेंगे तक धीना भीन धीना, इसमें जो है तीन सहेलियां दिखाई हुई भाग रही है आगे पीछे इना रीना और अमीना, तक धीना भीन धीना आगे है सबके रीना, जैसे उनको पता है सर पीछे कोई भी पूछे डाक ये कौन है ये रीना बताइए, पीछे रीना के है इना, इना के पीछे अमीना, तक धीना भीन धीना, साइकिल पर है इना, अध्यापक पूछेगा साइकिल कहाँ है तो बच्चे बता सकते, आगे बैठी अमीना, ये बच्चे नाम भी बता सकते, पीछे बैठी है रीना तक धीना भीन धीना, भैंस पर बैठी इना, भैंस के आगे रीना, भैंस के पीछे अमीना, तक धीना भीन धीना। बच्चे जो है पर्यावरण के बारे में भी काफी पूछे, अध्यापक जो है पूछ सकते हैं कि तुम्हारे घर में भैंस है या नहीं, कोई बच्चा बताएगा नहीं जी गाय, तो बच्चे पर्यावरण से भी जुड़ते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, बच्चों को कविता पढ़नी नहीं आती लेकिन बच्चे बड़े चाव से उनका मेमोरी लेवल जो है वो हाई लेवल का होता है, तो बच्चों को ये याद हो जाती है, टीचर अध्यापक जैसे ही बताएगा एक दो बार पढ़ाएगा वो बड़े चाव से पूरी क्लास जो बच्चा बिल्कुल कॉर्नर पे बैठता है उनको भी ये जो है कविता याद हो जाती है और बड़े चाव से कविता को। और इस कविता का क्या फायदा है, जब बच्चे कविता पढ़ेंगे तो लय सीखेंगे तो काम शब्दों का ज्ञान हो कि जैसे सेम ले और सरस भाव से गाएंगे ना तो उनको बड़ा आनंद आए। विज्ञान में कोश से जुड़ा हुआ है बच्चे जो है भाषा और साक्षरता सीखेंगे, भाषा और साक्षरता सीखने के साथ साथ CG 9 10 11 के साथ साथ बच्चों को आनंद भी कोश विकसित हुए कविता के पठन से, जो कविता पढ़ेंगे गाएंगे वो आनंद में हो आनंद में विकास की दिशा में हो। बहुत बढ़िया। और कुछ रसोई का सामान है, एक लट्टू है, ये सारा सामान है और अलग अलग जो है सामान दिया गया सभी को, तो सभी एक्सप्लेन करेंगे, तो मैं वही से शुरू। ये इस सोफे में एक पपेट है, डिफरेंट टाइप्स के हैं पर हमें सिर्फ यही वाला मिला है, इससे बच्चा किसी भी तरह की कहानी बना सकता है या कोई कविता में या किसी में अभिनय करके दिखा सकता है, वो बंदर बन जाएगा या और भी कुछ होगा तो वो बन जाएंगे, तो हेल्प करेगा इसको। ये डमरू है जी, बजाना तो मेरे को इतना खास आता है और इससे बच्चा खेल सकता है, टीचर के ट्राई करो, इधर कर सकते, ट्राई करो। जय शंकर की, बहुत बढ़िया, बच्चा भी ऐसे सीखेगा मैडम, बच्चे की अच्छी बनती है जी, बच्चा आनंद में कोश बैठू होता है और बच्चा इसे भोलेनाथ को भी याद कर सकता है, रिलेट करेगा भगवान से भी, अपने धर्म के बारे से बारे में भी जोड़ के इसको बता सकते हैं जी, और खेल सकते हैं। मेरे पास ये डफली है, ये डफली नहीं है सर, ये मंजीरा, ये मंजीरा है, किस टेक्स्ट में कंफ्यूजन थी वहां पे भी, ये डफली मैं करता हूं, डफली के अंदर पीछे लगा होता है वैसे वो, हां इससे हम बच्चे से पूछ सकते हैं कि आपने कभी इसको किसी को बजाते हुए देखा है, तो जिस बच्चे ने गुरदास मान को बजाते हुए देखा होगा वो जरूर बता देगा कि गुरदास मान जो है बजाता है। इसके बाद इसके अंदर हम शेप्स का बच्चे को ध्यान करवा सकते हैं कि ये जो शेप है ये गोल है, ठीक। इसके साथ साथ हम जो है मेटल का भी बता सकते हैं बच्चे को कि ये जो बनी हुई है ये हमारी स्टील की बनी हुई है, ठीक है। इसके अलावा 12वें महीने के बाद जब हम मतलब अंक ज्ञान बच्चे को करवा रहे होंगे तो उसके अंदर भी बता सकते हैं कि ये एक डपली है,
ये दो इसके अंदर जो है लगी हुई है गोल, और ये टोटल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 12 हो जाए। इसमें कलश का ज्ञान करवा सकते हैं। दूसरा इसके अंदर अगर कोषों की बात करें हम, तो इसमें आनंद में कोष तो है ही है, ये उसके अलावा जो है बौद्धिक कोष भी इसके अंदर रहेगा, प्राण में कोष भी रहेगा क्योंकि बच्चा इसके अंदर बजा रहा है, ठीक है। अभिनय के अंदर सारा आएगा ही, बाकी विज्ञान में कोष भी इसके अंदर समाहित है। ओके जी, नेक्स्ट। मेरे पास ये बॉल है, सबसे पहले तो शेप का पता चलेगा, गोल गोल, ठीक है। उसके बिना कलर का पता चल जाएगा, ठीक है। वो दबाके भी दिख जाता है, ठीक है। बात भी आती है, ठीक है। इसके खेलने के लिए मोटर स्किल की जरूरत होगी, जब दबाएगा ग्रोथ की होगी, इससे वो फुटबॉल की तरह भी खेल सकता है, प्रोफेशनल फुटबॉलर भी बन सकता है, फ्यूचर में क्रिकेट के लिए कैच मिस करना सीख सकता है, आगे जाके क्रिकेट में प्लेयर बन सकता है, दिखाएंगे। उससे बच्चे का मोटर स्किल जो है वो होगा, ग्रोथ होगी बच्चे की, उसके साथ उसके साथ बच्चा जो हमारे घर में जो प्रीवियस में रस्सियाँ होती है उस टाइप से इसके नोट वगैरह बांधने बच्चे को जैसे हम सिखा सकते हैं। दूसरा ये बेलनाकार जैसे अगरबत्ती है, लकड़ी है, उसके बारे में बता सकते हैं बच्चे को, तो इससे भी बहुत कुछ चीज़ें बच्चा सीखता है, इससे फाइन मोटर स्किल वगैरह जो है और जो शारीरिक विकास है बच्चे का वो होता है जी। अभिनय कोना के अंतर्गत एक ये सेट है, किचन सेट, और अभिनय के अंतर्गत एक जो बिंदु आता है वो होता है नाटकीयता। तो इस किचन सेट के माध्यम से बच्चे किचन के अंदर जो जो भी काम किए जाते हैं उनका अभिनय करके, जैसे खाना कैसे बनाया जाता है, रोटी किस पे बेली जा सकती है, गैस से क्या काम किया जा सकता है, वो इस सेट के माध्यम से कई ग्रुपिंग में उसकी नाटकीय नाटक के साथ उसका अभिनय कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा ये हमारे पास जो सारा सामान है, सबसे पहले तो बच्चे इसमें अभिनय करेंगे, एक नाटक करेंगे, वो उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग होगा, वो बच्चे उसी चीज का नाटक करेंगे जो उन्होंने सराउंडिंग में देखा है, चाहे वो मेकअप का सामान हो सकता है, जैसे कल हमने वीडियो में देखा था कि कुछ बच्चे तैयार हो रहे थे, कोई कुछ बना हुआ था, कोई कुछ बना हुआ था, तो उसमें उनकी कल्पनाशीलता का भी विकास होता है कि बच्चे कल्पना कर रहे होते हैं। जैसे अगर हमने घर में छोटे बच्चों को देखा है तो बच्चे कहते हैं चल मैं मम्मा बन जाती हूँ, तू बेटी बनना, तू ये है, तू वो है, उससे उनकी कल्पनाशीलता का भी विकास होता है, और साथ में जब वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनकी भाषा का भी विकास होता है, और ये सब जो वो कर रहे हैं वो उनकी सराउंडिंग से उनके सामाजिक परिवेश को देख कर वो कर रहे हैं, उन्होंने पड़ोस में देखा या गली में भी देखा है तो उसी तरीके का वो रोल वहाँ पे प्ले कर रहे हैं, तो इससे उनमें समाजीकरण की भावना भी आती है, समाज में ऐसे ऐसे होता है, ये रोल होते हैं, ऐसे ऐसे उनका रोल रहता है, मिलते रहते हैं इसमें बच्चे एक साथ एक दूसरे के साथ भावनात्मक जुड़ते हैं, मतलब सारे प्रोसेस के अंदर इकट्ठा मिल के खेलना, इकट्ठा रहना, ये सब सीखते हैं, तो इससे उनमें भावनात्मक विकास होता होगा, नैतिक विकास पैदा होता है, इससे बच्चे एक दूसरे को भाई मारना नहीं है, पिटना नहीं है, पैर से खेलना है, ये सारी चीजें सिखाएंगे।